Welcome back to my channel. So today I'm going to share with you all my top 10 favorite lip shades that I've been using since a long time, and they are my so favorite, and I think they are so enough for me. कि अगर ये 10 lip shades मेरे pouch में है ना, so I don't think I need any other shade in my list. क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि मैं इनको individually भी use कर लेती हूँ, and at times मैं इनको combination में भी use कर लेती हूँ, और combination में तो मैं ऐसा use करती हूँ कि मुझे जो color shade चाहिए ना वो मैं इनसे बना लेती हूँ. तो उससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता नहीं है कभी भी कि मेरे पास ये वाला शेड नहीं है. मैं ये काफी ज्यादा लंबे टाइम से ये सारी यूज कर रही हूँ. सिर्फ एक दो है जो मैंने अभी अभी जो है वो खरीदी है और यूज करना स्टार्ट की है, बट ये सारी लिपस्टिक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. और इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूड शेड्स नहीं है, काफी सारे शेड्स हैं, लाइक फ्रॉम डार्कर शेड्स टू न्यूड शेड्स, कॉफी शेड्स एंड एवरीथिंग. ऑल्सो मेरा जो टोन है वो डस्की स्किन टोन है, लाइक इट्स काइंड ऑफ मीडियम वार्म टोन. तो आप जितने भी शेड्स देखने वाले हो वो इसी चेहरे पर देखने वाले हो. एंड ये जितनी भी लिप शेड्स है ना गाइज, दे आर सो अफोर्डेबल, दे आर सो रीजनेबल, दे आर नॉट एट ऑल टुवर्ड्स दी हाई एंड. और जितनी भी वीडियो होने वाली है उसमें दो दो टाइप की वीडियोस आपको दिखेंगी. एक होगा जो मैं हैंड पर स्वॉच करके बताऊंगी, एंड एक होगा जो आप लोग मेरी लिप्स पर देख पाओगे. सो यप गाइस, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. सो द वेरी फर्स्ट लिप शेड दैट आई हैव इज दिस वन फ्रॉम फ्लिका कॉस्मेटिक्स, जो अभी मुझे रिसेंटली मैंने परचेस की है, एंड आई लिटरली लाइक दिस वन अ लॉट. अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर मेरा रील देखा होगा तो आपको पता होगा ये मेरे चेहरे पर कैसी दिखती है ऑलरेडी. अगर नहीं देखा है तो माय इंस्टाग्राम अकाउंट्स लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जस्ट गो देयर, फॉलो मी नाउ अगर फॉलो नहीं किया, और फिर आप रील भी देख सकते हो. सो दिस वन इज फ्रॉम फ्लिका, एंड दिस इज इन 06 ओट मील शेड में है ये. तो इसकी पैकिंग जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, इट्स अ नाइस पैकिंग. इसका कलर जो है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बिकॉज इट्स इन अ लिटिल बिट ऑफ पीच टोन, काफी ज्यादा अच्छा न्यूड शेड है ये. So this is how it looks. पता है लोग जो है वो स्वॉच कैसे करते हैं, आई एम रियली नॉट एट कंफर्टेबल, पता है इधर देखो इधर से करूँ, आई डोंट नो. सो या प्लीज जस्ट इग्नोर दैट. दिस इज इन अ बिट पीच शेड. अगर ये हम बिना मेकअप के कैरी करते हैं ना तो थोड़ा सा जो है वो नियोनिश शेड में चला जाता है, बट हाँ थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने हल्का फुल्का सा भी मेकअप कैरी किया है ना तो ये उसके साथ बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखेगा. ऑल्सो एट टाइम्स ये ना आउटफिट्स वगैरह से भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं कुछ शेड्स, लाइक आउटफिट आपने क्या कैरी किया है उसके हिसाब से भी आप कभी कभी शेड्स लगाते हो ना, कभी नहीं एक्चुअली हर टाइम उसी के अकॉर्डिंग लगाते हो. तो उसके साथ भी जो है वो काफी ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप किस आउटफिट कलर के साथ क्या यूज कर रहे हो. तो ये काफी सारे कलर्स के साथ बहुत अच्छा लग सकता है. सो आई रियली लाइक दिस विन. इसका जो टेक्सचर है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है. नेक्स्ट अप आई एम हैविंग दिस क्रेयॉन फ्रॉम ग्लैम 21. आई गॉट दिस विन जस्ट फॉर ₹250, एंड आई थिंक मुझे आज तक ऐसा लगता था कि ग्लैम 21 इज अ ब्रांड जिसकी बहुत ज्यादा चीजें जो है वो मिलती नहीं है. ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी ब्रांड या फिर समथिंग लाइक दैट, बट अब मुझे ऐसा लगता है क्रेयॉन यूज करने के बाद कि इट्स सच अ गुड ब्रांड. आई थिंक मैंने ही इसको काफी ज्यादा यू नो लो कैटेगरी में रख रखा था, आई डोंट नो व्हाई, बट इट वाज जस्ट अ माइंडसेट दैट आई वाज हैविंग. बट अब मुझे काफी ज्यादा पसंद है, और इसका मैं एक ही नहीं दो क्रेयॉन्स यूज कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद आते हैं. सो दिस वन इज इन शेड 11 न्यूड ब्यूटी. तो ये वाला जो शेड है ना ये भी हल्का सा पीचिश टोन में ही जाता है, बट दिस इज अ बिट मोर लाइटर देन दिस शेड. मेरे जितने भी डार्क शेड्स है ना उनके साथ मैं ये वाला जो है वो काफी ज्यादा मिक्स करती हूँ. इसका जो टेक्सचर है ना वो काफी ज्यादा स्मूथ है, जैसे ही आप इसको ग्लाइड करोगे ना अपने लिप्स पे ये बहुत ज्यादा इजिली ग्लाइड होगी. सो इट्स वेरी नाइस, और थोड़े में ही आपका बहुत ज्यादा काम हो जाएगा. मतलब थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट यूज करना है और काफी ज्यादा जो है वो अच्छा कवरेज दे देता है ये. मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि ये ना काफी ज्यादा स्मच प्रूफ है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, और साथ ही में आप कुछ खाओगे ना तो ये बीच बीच का जो है वो निकलता भी जाता है. सो यू हैव टू रीअप्लाई इट, थोड़ा सा आपको टचअप करना पड़ेगा, बट कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. और अगर आप थोड़ा सा लूज पाउडर अप्लाई कर लेते हो इसको लगाने के बाद तो फिर वो वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाता है. सो आई थिंक ये कलर बहुत अच्छा है. नेक्स्ट शेड दैट आई हैव इज दिस वन फ्रॉम जूडियो. ये भी मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया है. अगर आप लोगों ने मेरा जूडियो कॉस्मेटिक्स वाला हॉल देखा होगा तो आपको पता होगा. दिस आई जस्ट गॉट फॉर ₹99. तो मुझे पैसों के वजह से तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक इट्स काइंड ऑफ सो अफोर्डेबल कि आप कितने ही शेड्स लेके आ जाओ, और फिर अगर इसमें थोड़ी कमी भी है तो फिर लूज पाउडर से सेटअप कर सकते हो. सो ये वाला जो शेड है ना ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है. दिस इज अ लिटिल बिट इन पिंक न्यूड शेड, थोड़ा सा पिंकिश टोन में चला जाता है. सो दिस इज सच अ गुड टोन आई थिंक फॉर आवर स्किन टोन. और इसके साथ हल्का सा अगर ये दो शेड्स मिक्स कर लेना तो काफी ज्यादा परफेक्ट न्यूड शेड बन सकता है. और आप जब
कभी भी कुछ बहुत ज्यादा कैजुअल पहन के आपको निकलना है ना घर से, तो ये वाला शेड जो है वो आप बिना मतलब बिना सोचे आंख बंद करके भी अगर लगा लोगे तो वो सबसे परफेक्टली चला जाएगा। थोड़ा सा ट्रांसफर हो जाता है, थोड़ा सा फैल भी जाता है, बट हाँ वो मैं मैनेज कर लेती हूँ विद अ लिटिल बिट ऑफ यू नो पाउडर एंड ऑल, क्योंकि मुझे कलर शेड बहुत ज्यादा पसंद आया था और प्राइस वाइज भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी लिप्स। नाउ द नेक्स्ट शेड दैट आई हैव इज इन अ कॉफी टोन, तो ये वाला जो है दिस इज फ्रॉम फेसेस कैनेडा और ये उसकी लिक्विड लिपस्टिक्स जो है ना उसमें से मैंने खरीदा था। मैंने एक्चुअली दो शेड्स खरीदे थे, वन वाज मॉव एंड वन वाज दिस वन, बट वो वाला तो मैंने एक दो दिन यूज किया और वो घूम गया था जो कि मुझे बहुत बुरा लगा था। एंड ये पता है इसका प्राइस है 799, बट ये मुझे ऑफर में पड़ी थी तो 799 की मुझे दो लिपस्टिक्स आ गई थी, तो दिस इज जस्ट फॉर 400 रुपीज। तो ये वाला जो कलर शेड है ना दिस इज जस्ट परफेक्ट फॉर आर स्किन टोन्स, आई थिंक ये एकदम परफेक्ट कॉफी टोन है जो कि हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है ये वाला कलर, मतलब एट टाइम्स यू नीड अ कॉफी शेड, ऐसा लगता है कि ब्राउनिश टोन में कुछ होना चाहिए। ये जो है थोड़ा सा अगेन ड्राई होने के बाद आपको नॉर्मल लगेगा, बट इनिशियली जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा जो है वो चिपचिप कर रहा है, बट वो एक बार ड्राई हो जाएगा ना उसके बाद इतनी ज्यादा फीलिंग नहीं आएगी। और ये स्मच प्रूफ है, ये बहुत ज्यादा ट्रांसफर भी नहीं होता है और ये आप कितना भी खा लो पी लो कितना भी कुछ कर लो ये काफी ज्यादा लंबे टाइम तक यू नो लॉन्ग स्टे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट शेड दैट आई हैव इज अ लिटिल बिट इन ब्राइट पिंक शेड, तो ये वाला शेड जो है ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि काफी ज्यादा बारी ना ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी चीजें पहनते हैं लाइक हल्दी में येलो कलर एंड ऑल ऑफ दैट लेमन येलो एंड ये सारे शेड्स, तो उसके साथ मुझे ना ये पर्टिकुलर कलर बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जाता है, तो मैंने ये स्पेसिफिकली फेस्टिविटीज के लिए ही जो है वो बाय किया था। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल पिंक शेड, मतलब एकदम से ब्राइट सा कलर, although ये थोड़ा सा न्योनिश चला जाता है हमारे स्किन टोन पर, बट आई थिंक एट टाइम्स पर हमारे स्किन पर ऐसी चीजें भी काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं जो कि थोड़ी सी न्योन होती है, थोड़ी ब्राइट होती है, उससे हमारा जो कलर है ना काफी ज्यादा यू नो क्या बोलूं मतलब कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड मैक्सिमम टाइम्स मैं जो है ना इसको यूज करती हूँ विद अ लिटिल बिट ऑफ डार्क शेड विद दिस, तो उससे ना ये एक ब्राइट पिंक भी नहीं रहता है और बहुत ज्यादा डार्क पिंक भी नहीं रहता है, उसके मीडियम का एक टोन मिल जाता है, तो इससे मैं दो यू नो एक तीर दो निशाने वाला काम कर लेती हूँ। और मुझे पिंक शेड बहुत ज्यादा यूज आता नहीं है, सो दैट इज आई केप दिस कलर कि अगर मुझे थोड़ा डार्क चाहिए तो मैं वो मिक्स कर लूँ और अगर ये ब्राइट कलर चाहिए तो ये यूज आता है। नेक्स्ट कलर दैट आई एम हैविंग इज दिस विन फ्रॉम इनसाइट कॉस्मेटिक्स, तो इनसाइट ना वैसे मुझे पता है इनिशियली ऐसा लगता था कि क्या ब्रांड है, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं था बट कि बहुत अच्छी ब्रांड है सेम एज ग्लैम 21, बट जैसे ही मैंने इसके प्रोडक्ट्स यूज करने स्टार्ट किए ना मुझे अब लगता है कि नहीं ये काफी अच्छी ब्रांड है और काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं और काफी ज्यादा रेंज में अवेलेबल है इसकी चीजें, सो आई रियली लाइक इट। एंड इसका जो शेड है 12 रेड रूम, ऑल्दो ये रेड लिखा हुआ है बट ये वैसा वाला रेड नहीं है कि एकदम भड़कीला सा जो ब्राइट रेड होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसका जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें हल्की सी प्रॉब्लम एट टाइम्स आपको आ सकती है अगर आप प्रॉपरली अपने लिप्स मॉइस्चराइज नहीं करोगे ना इनिशियली, या फिर आपको इसके ऊपर ग्लॉस लगाना पड़ेगा हल्का सा, और नहीं लगाओगे ना तो थोड़ी सी क्रीजी सी फीलिंग आएगी और थोड़ा सा ड्राई फील होगा थोड़ी देर बाद में। ये वाला जो लिपस्टिक है ना टेल यू गाइज ये इतनी ज़्यादा वैसी वाली लिपस्टिक है दैट अगर आप इसको एक बार लगा लोगे तो ये निकलने का नाम नहीं लेती है, चाहे फिर आप इसको यू नो साबुन से सोप से इसको कितना ही निकाल लो या फिर लिप मूवर जो वेट वाइप्स आती हैं उससे आप यूज कर लो और कुछ भी कर लो, और ये थोड़ा सा अगर आप इसको क्लोजली देखोगे ना तो ये रेड और जो एक पिंक कलर होता है ना उसके बीच का थोड़ा सा कलर है। द नेक्स्ट थ्री शेड्स दैट आई एम हैविंग आर दीज थ्री शेड्स फ्रॉम फेसेस कैनेडा, और ये क्रेयॉन वाला जो उनका कलेक्शन है ना उसमें से है, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रेयॉन्स ऑफ फेसेस कैनेडा आई वुड से, क्योंकि मुझे इनका जो स्टे है वो काफी अच्छा लगता है, सेकेंडली इनका जो टेक्सचर है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, काफी ज्यादा क्रीमी है, काफी ज्यादा यू नो स्मच प्रूफ है, एंड आप जैसे इसको लगाओगे ना वैसे ही आपको इतना लाइट वेट फील होगा, आपको लगेगा ही नहीं आपने जो अपने लिप्स है उस पर कुछ लगा रखा है, सो दे ग्लाइड सो नाइसली। I don't know, but I actually a big fan of crayons of Faces Canada, और ये इनकी जो रेंज है ना वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है Faces Canada की बाकी सारी रेंज से, लाइक दीज आर इन 799 rupees, बट ये जो है ना मैंने अगेन ऑफर में से खरीदा था और नायका पर बहुत बारी ऐसे ऑफर्स चलते रहते हैं और इसके खुद के ब्रांड का जो वेबसाइट है उस पर भी चलता रहता है बाय वन गेट वन फ्री, तो मैंने उसमें खरीदा था तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वो 400 rupees ईच के पड़े थे। और ये तीन शेड जो है ना ये आपको लगेंगे कि तीन शेड्स बिल्कुल सेम टू सेम शेड्स तो हैं, इनमें
क्या डिफरेंस है, बट ऐसा नहीं है, है डिफरेंस है। और ये मैंने ना इनिशियली खरीदे थे मेरी वेडिंग पर्पजेस के लिए, बिकॉज हम लोग इनिशियली यू नो वेडिंग के बाद में बहुत सारे ब्राइट कलर्स पहनते हैं, रेड, मरून, पिंक एंड एवरीथिंग, और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी लगता है। तो मुझे उस टाइम के लिए ये शेड्स जो है वो बहुत चाहिए थे, सो आई बॉट दीज शेड्स, और ये काफी ज्यादा यूज किए हैं मैंने, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा। सो दिस वन इज क्रश्ड बेरी इन 04, ये थोड़ा सा रेडिश टाइप का कलर है, आप देखो ये मैंने इतना यूज किया है कि सिर्फ इतना सा बचा है, बट फिर भी पता है जितना भी आता है ना, दिस इट हैज बीन लाइक 1.5 ईयर ऑफ माई मैरिज, और अभी तक ये इतना बचा हुआ है, लाइक मैंने इसको इतना यूज किया है, एवरी अदर डे मैंने इसको यूज किया है, बट फिर भी ये अब जाके इतना सा हुआ है। थोड़ा सा लगाओगे बहुत ज्यादा फील होगा, ऐसा बोल सकती हूँ। सो ये वाला जो शेड है, दिस इज इन वैसे तो रेड है, बट रेड एग्जैक्टली नहीं है, सो दिस इज अ लिटिल बिट इन मरून टाइप का जो कलर होता है ना, वो वाला शेड है। इन दोनों शेड्स में जो है ना वो थोड़ा ऐसा लगता है कि ये सेम शेड्स है, बट दीज आर नॉट, दिस इज अ लिटिल बिट लाइट शेड और ये थोड़ा सा उससे और डार्क शेड है। द नेक्स्ट शेड दैट आई हैव इन दीज क्रेयॉन्स इज स्कैंडलस इन 1313 नंबर। अगेन ये मैंने इतना ज्यादा यूज किया है कि इतना सा हो गया है, बट फिर भी मैं पिछले 1.5 साल से इसको यूज कर रही हूँ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इन दोनों क्रेयॉन्स को ना कॉम्बिनेशन में भी यूज करती हूँ विद द न्यू शेड्स, तो इसलिए भी मुझे बहुत यूज आता है, बट फिर भी ये अभी तक इतना बचा हुआ है। I'm looking forward to buy the next same color. So this is the shade. अब ये भी दोनों आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा similar दिख रहे हैं, but नहीं, this is a little bit in red shade और ये थोड़ा सा जो है वो pink, dark pink shade में जो है वो चला जाता है। So I really like this again. और last वाला जो है वो है 26 number में wine shot। ये मुझे बहुत ज्यादा use आया नहीं है आज तक, बहुत थोड़ा थोड़ा सा use आया, तो बहुत सारा बचा हुआ है, but now I'm thinking कि इनकी जगह मैं इसको use करने वाली हूँ for you know making the combinations. Now this is the a little bit wine color, और ज़्यादा सबसे ज़्यादा dark shade अगर मेरे पास कोई है ना मेरे इन सब में, तो वो जो है वो यही वाला color है। Last lipstick that I have is this one, which is again from Faces Canada, और ये इनके जो normal lipsticks है ना उसका उस category का है। So this is the maroon shade as it's provided, इस पर लिखा हुआ है maroon love in 06 number, although this is not so maroon, but ये color अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब अगर आपको थोड़ा सा reddish tone में कुछ चाहिए ना, so this is a beautiful color. इसका भी texture काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी smooth है और काफ़ी ज़्यादा you know प्यार से फैलता है आपके लिप्स पे, और इसका जो फीलिंग है ना वो बहुत ही क्रीमी फीलिंग है। सो गाइस दीज आर द टॉप 10 लिपस्टिक शेड्स दैट आई यूज इन माय डेली रूटीन, मतलब ये है तो सब कुछ है, इससे ज्यादा मुझे और कोई शेड की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड अभी जो मैंने ये अप्लाई किया हुआ है ना शेड, इट्स अ मिक्सचर ऑफ दिस फ्लिका कॉस्मेटिक्स का जो फर्स्ट वाला है ये, एंड दी सेकेंड लास्ट वन दिस वाइन शॉट वाला, मतलब सबसे डार्क और सबसे लाइट वाली जो लिपस्टिक है इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है। आई फर्स्ट अप्लाइड दिस वाइन शॉट ऑन माई लिप्स हल्का सा, एंड देन आई अप्लाइड दिस वन, और फिर मैंने फिंगर्स से जो है वो हल्का सा इन दोनों को जो है वो एक साथ थोड़ा सा मिक्स कर लिया। आई रियली लाइक दिस लिप शेड अ लॉट, लाइक Yeah, I like it. So yeah, इसी तरीके से जो है मैं combinations बना लेती हूँ. So yeah, guys, this is it for today's video. I hope आप लोग को ये video useful लगा होगा. And अगर कोई भी product की link जो है वो आपको चाहिए तो it's mentioned in description box below. आप वहाँ जा कर के follow कर सकते हो links को, and you can buy the product. Also, मैंने इस video में अभी तक नहीं बोला, but guys, अभी तक अगर subscribe नहीं किया है तो क्यों नहीं कर रहे हो? Please subscribe onto my channel and hit onto the bell icon below so that you stay updated every time I post a new video. And guys, see you super soon in my next video. Till then, bye bye. See you and take a lot of care, guys. और अगर कुछ भी ऐसी चीज है जो आप लोग को ऐसा लगता है ना कि हाँ ये चीज आपको मुझसे पूछनी है, तो please comment down below. I am going to answer all of that in my videos. Bye bye, guys.